मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते नामांकन जमा करने की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हुई। आखिरी दिन सीहोर जिले के इछावर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ अपना नामांकन जमा किया, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आई हुई जनता है। ये चुनाव इछावर के आम जनमानस का चुनाव है, किसानों का, युवाओं का चुनाव है, और निश्चित रूप से वो सब आशीर्वाद देने और इस रूप से आए हैं कि उनका फॉर्म भरना है। कि मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ये वाला जो 2023 का जो चुनाव है, इसका फॉर्म इछावर की जनता को समर्पित है और वही लोग फॉर्म भरने आए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आज जिस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता में उत्साह है, देखिए ये स्व उत्साह है, कोई बुलाए गए लोग नहीं है, खुद अपनी मर्जी से आए हुए लोग हैं, जिनको एक मन में उत्साह से लबरेज हैं। और जो निकारापन और एक निकम्मापन और नकारापन इछावर के साथ हुआ है, जो भेदभाव काम के प्रति हुआ, उसके खिलाफ आक्रोश है।